मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि मेष राशि वालों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीन महीने कैसे बीतने वाले हैं, कौन से ऐसे शुभ योग बनने जा रहे हैं जिसकी वजह से मैंने लिखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि इस अवधि में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में चार ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, राहु केतु ऑलरेडी वक्री अवस्था में ही रहते हैं। अभी तक लग्नेश जो आपके नीच अवस्था में गोचर कर रहे थे, अब इनका मूवमेंट सिंह राशि में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, और इनका मूवमेंट इन तीनों महीने में पंचम भाव, छठे भाव और सातवें भाव में रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य देवता जो आपके कुंडली में सर्वाधिक कारक होते हैं, इनका मूवमेंट चौथे भाव से लगा करके सातवें भाव तक रहने वाला है। गुरु का वक्री होना आपके लिए कई मामलों में बड़ा अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस अवधि में जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है उसके अनुसार नौकरी में बहुत ज़्यादा उन्नति होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, यानी कि नौकरी में आपके बढ़ोतरी होगी। या तो इस अवधि में आपकी सैलरी बढ़ेगी या प्रमोशन मिलेगा, और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे इस अवधि में आपको नौकरी भी मिल सकती है। ऐसे प्रबल योग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा भाग्येश गुरु चूँकि वक्री अवस्था में हैं तो इस अवधि में सभी मेष राशि वालों का भाग्य बड़ा तेज़ी से चमकेगा। दैवी कृपा आप पर बनेगी जो कि प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर आपके संतान नहीं है तो इस अवधि में संतान प्राप्ति के योग तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन वह योग प्रबल रूप से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर पिता पुत्र में कोई मतभेद चल रहा है, आपकी मान लिया मेष लग्न है या मेष राशि है और आपके पुत्र के बीच में और आपके बीच में कोई मतभेद चल रहा है, तो वह मतभेद इस अवधि में आपको दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत चल रही है तो वह दिक्कत इस अवधि में निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई की तरफ आपका झुकाव इस अवधि में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग शेयर सट्टे में कहीं पर भी पैसा निवेश करते हो, आप लगा के रखे हो, तो इस समय उनका पैसा मल्टीपल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, पैसा उनका बढ़ जाएगा। और वहीं पर अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, शुक्र देवता का भी गोचर पंचम स्थान से लगा करके अष्टम स्थान तक इस अवधि में रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में इस पूरे पीरियड में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और वहीं पे अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में भी स्थितियाँ आपको अनुकूल नज़र आएंगी, प्रेम से भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो वैवाहिक जीवन में खुशी रहेगी, लेकिन जो अविवाहित हैं उनकी शादी हो जाने के योग प्रबल हैं, इस अवधि में शादी आपकी हो सकती है, ऐसा योग दिखाई पड़ रहा है। उधर शनि देवता की भी अपार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि नौकरी में, कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति आपको कराने वाले हैं। नौकरी में बढ़ोतरी होगी, अगर व्यापारी हो तो व्यापार में जबरदस्त तरीके से उछाल आएगा, व्यापार इस अवधि में आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके व्यापार में, उनके कार्यक्षेत्र में
कई गुना ज़्यादा इजाफा इस पीरियड में होगा, क्योंकि दसवें शनि वक्री अवस्था में बहुत ही बलवान स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। बुद्धि के स्वामी सूर्य देवता का भी जो गोचर है बड़ा अच्छा रहेगा इस पीरियड में, तो बुद्धि में आपके सकारात्मकता रहेगी और साथ ही साथ जो भी डिसीजन इस अवधि में आपके द्वारा लिए जाएंगे वो ज़्यादातर डिसीजन सही साबित होंगे। इसके बाद उन व्यक्तियों की बात कर लें जो लोग कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हैं, तो उनके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, उनको घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको इस अवधि में राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अब बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि हाउस वाइफ के लिए समय कैसा रहेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाउस वाइफ अगर आप हैं तो आपके लिए भी ग्रहों की चाल अच्छी बनी हुई है। इस पीरियड में आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। पति पत्नी में आपसी अगर वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे, अगर नहीं चल रहे हैं तो खुशहाली कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी के मालिक आपके कुंडली में बन जाते हैं शनि देवता और धन के मालिक बन जाते हैं शुक्र देवता। शनि देवता बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये रहा इस अवधि में लगातार पैसा निरंतर आपके पास अच्छी मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर शुक्र देवता का भी जो गोचर है पंचम भाव और चौथे भाव में रहेगा, बीच में ये वक्री मार्गी होंगे, जिसके फलस्वरूप पैसा आएगा तो निश्चित, साथ ही साथ आप जो है बचा भी ले जाओगे, यानी कि धन का आना और धन का बचना दोनों प्रकार के शुभ योग बने हुए हैं। अगर आपका पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद विवाद है तो इस अवधि में वह सलटता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो चूंकि लग्नेश बहुत मजबूत अवस्था में है, हालांकि बीच में कुछ समय के लिए शुक्रदेव अस्त हो जरूर होंगे, लेकिन इनका जो मूवमेंट है सिंह राशि कर्क राशि, इस बीच में ये वक्री मार्गी होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप पैसा तो आएगा ही आएगा, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ परिवार का भी जबरदस्त तरीके से साथ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उमंग से आप भरे रहोगे, इस अवधि में अद्भुत ऊर्जा का भी आप अनुभव करोगे, और जब शरीर में ऊर्जा होती है तो जातक हो या जातिका जबरदस्त तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में बाजी मार ले जाता है। ओवरऑल अगर देखें तो भाग्य आपके साथ है, धनेश की कृपा आपके साथ है, आयेस की कृपा आपके साथ है, कार्य क्षेत्र के मालिक शनि देवता की कृपा भी आप पर बनी हुई है, और लग्नेश भी शुभ स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो गोचर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जबरदस्त चारों तरफ से सफलता मिलते हुए इस अवधि में सभी मेष लग्न और मेष राशि के व्यक्तियों को मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। कंफ्यूज मत होइएगा राशि और लग्न सुन करके। मान लिया आपकी मेष लग्न है और वृषभ राशि है तो मेष और वृषभ दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों का यदि फलादेश अच्छा है तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एक में अच्छा है एक में ख़राब है तो रिज़ल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा मैंने बताया गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है, किंतु मान लिया गुरु मैंने बताया आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन दशा आपकी राहु की या केतु की चल रही है और कुंडली में राहु और केतु बाई बर्थ आपके नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, तो जितने शुभ फल मैंने गिना दिए हैं उसमें निश्चित तौर पे आपको कमी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, दशा के अकॉर्डिंग यदि आप उपाय करोगे तो गोचर आपके साथ है, आप बुलंदी को छुओगे, लेकिन अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप बेसिक तौर पे दो उपाय इस अवधि में कर सकते हैं और इस गोचर फल का लाभ ले सकते हैं। पहला उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार
अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों को जप करना है। अगर कुंडली नहीं है तो ही यह उपाय करिएगा, अन्यथा महादशा अंतरदशा के अनुसार उपाय करिएगा। दूसरा उपाय यह है कि शनि देवता इस पीरियड में बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में शनिवार को आप दीपक एक जलाएंगे, मंत्र का बहुत अधिक जप नहीं करेंगे शनि का, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जप अगर बहुत ज़्यादा आप करने लगे शनि देवता का तो स्वास्थ्य आपका डगमगा जाएगा। तो शनि के लिए एक दीपक जलाएंगे और वहीं पर एक बार 24 घंटे में प्रातःकाल या शाम को जब भी आप समय निकाल सकते हो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करेंगे। ये दो उपाय यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए, अगर एंटी ग्रहों की भी आपकी दशा चल रही है तो उसमें आपको निश्चित तौर पे रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। कल मिलेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है जरूर कमेंट करिएगा, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।